बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नहायत ही अहम होने जा रही है, क्योंकि आज मैं आपको सेकंड चैप्टर यानी 11वें चैप्टर 10th क्लास के गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो व्यूवर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, साउंड की इंस्टेंसिटी से क्या मुराद है, इसका यूनिट लिखें। तो व्यूवर्स, साउंड की इंस्टेंसिटी ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका यूनिट भी आपने लिखना है। लाउडनेस से क्या मुराद है, इसके अवामल लिखें। पिच और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क लिखें। व्यूवर्स, आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, पिच से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, तो आपने ये समझकर जवाब देना है। तो व्यूवर्स, बल और डेसिबल में फ़र्क लिखें। सोनार से क्या मुराद है, इसके इस्तेमाल, ठीक है, इसके इस्तेमाल लिखें। अल्ट्रासाउंड से क्या मुराद है, इसके इस्तेमाल लिखें। अल्ट्रासोनिक से क्या मुराद है, ये भी आपसे पूछ सकता है व्यूवर्स, ये आपको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग जोन से या लॉन्ग में भी पूछ सकता है व्यूवर्स। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ सकता है, लाउडन से क्या मुराद है, इसके वामल पर नोट लिखें, ये लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है व्यूवर्स। अगर बात की जाए न्यूमेरिकल्स की, तो 11.1, 11.2, 11.4 और 11.6 और 11.9 न्यूमेरिकल आपने लाजमी करने हैं। अगर मसाल की बात की जाए 11.1, 11.2 आपने मसाले लाजमी करनी है। ये बस, ये हमारा आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।